कार्ड में आपने नाम के ठीक नीचे अपने पिता का नाम लिखा होता है, लेकिन आप में से शायद ही कुछ लोगों को यह बात पता होगा कि आप यहाँ पर अपनी माँ का नाम भी लिखवा सकते हैं। पैन कार्ड बनवाने वालों को सरकार द्वारा यह सुविधा दी जाती है कि वो पैन कार्ड में माता का नाम या फिर पिता का नाम या दोनों में से किसी एक को लिखवा सकते हैं। पहले यह सुविधा नहीं थी, लेकिन अब यह सुविधा शुरू हो गई है। पहले के नियमों के मुताबिक जो भी पैन कार्ड बनवाते हैं या जो भी करदाता होते हैं, जो भी टैक्स पेयर होते हैं, उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन हुआ करता था। और अभी जो है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसका नाम है 49A और 49AA में कुछ चेंजेस किए हैं। और ऐसे में अगर आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको हम बता दें कि फॉर्म भरते टाइम आपके पास दो ऑप्शन होंगे कि या तो आप अपने फादर का नाम लिखवा सकते हैं या फिर अपने माँ का नाम लिखवा सकते हैं। और पैन कार्ड के लिए आपको फॉर्म 49A डाउनलोड करना होगा, और उस वेबसाइट का नाम भी हम आपको बताते हैं जहां पर आपको ये फॉर्म बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वो वेबसाइट है जिसका नाम है www.incometaxindia.gov.in। वहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फॉर्म में करेक्शन भी करवा सकते हैं। आप चाहें तो पिता के नाम की जगह अपनी माँ का नाम लिखवा सकते हैं। हम आपको बता दें कि यह फॉर्म जो है ना, इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर अवेलेबल होता है, उसकी वेबसाइट पर अवेलेबल होता है, और जितने भी पैन सेंटर होते हैं जहाँ पर भी पैन कार्ड बनता है वहाँ पर ये फ्री में अवेलेबल होता है। जब भी आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद में आपको एक नंबर दिया जाता है, और उस नंबर से आपके पैन कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ तक पहुँच गया है, बन गया है, नहीं बना है, किस प्रोसेस में है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चल जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी पता चल जाता है कि आपको कितने दिन में पैन कार्ड मिलने वाला है। हम आपको बता दें कि मैक्सिमम जगह पैन कार्ड बनवाने की फीस 110 रुपये है। काफ़ी सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर हमारे दो पैन कार्ड हैं तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर गलती से किसी व्यक्ति को एक से ज़्यादा अगर पैन कार्ड इशू हो गए हैं, तो इस कंडीशन में उनको एक पैन कार्ड वापस कर देना चाहिए और सिर्फ एक पैन कार्ड या एक पैन नंबर ही रखना चाहिए। इसके लिए उसको क्या करना चाहिए, आप हेल्प डेस्क पे फ़ोन कर सकते हैं, या फिर आपके शहर में जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिस है आप वहाँ पर जा सकते हैं, या फिर उनकी वेबसाइट जिसका नाम है incometaxindia.gov पर जाकर भी आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनको मेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको एक फ़ोन नंबर दे रहे हैं जिसका आप उस पर भी जो है ना कॉन्टैक्ट करके आप उनसे सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। वो फ़ोन नंबर है, आप उसको एक बार नोट कर सकते हैं, 0124 और फ़ोन नंबर है 2438000। वहाँ पर जाकर आप फ़ोन करके उस अतिरिक्त पैन कार्ड को आप वापस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पैन कार्ड के बारे में। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने V4 Innovative को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।